અને ખૂબ સારી એટલી જોબ પણ હતી મંત્રી સારું એવું પેકેજ હતું પણ એ છોડીને એમને એવું થયું કે બસ મારે દેશની સેવાનું કાર્ય કરવું છે તો એમણે આ સંન્યાસ લઈ ને દેશના સેવાના કામે આગળ આવ્યા છે અને આપણા વલસાડ જિલ્લામાં એ આપણા એમ તો ગુજરાતમાં ચાર જિલ્લાનો પ્રવાસ છે એમનો દમણ સિલવાસા વલસાડ અને સુરત અને ચારે જિલ્લા દરમિયાન એ અલગ અલગ જગ્યાએ છે અને કેવી રીતે યોગનો પ્રચાર પ્રસાર થાય એના માટે ખાસ ઉપસ્થિત છે તો આપણા વલસાડ જિલ્લામાં જે આગામી શિબિર છે તારીખ 29 થી 20 ફેબ્રુઆરી સુધી જે આપણે લાયન્સ ક્લબ સાથે સતત 12 વર્ષથી કરીએ છીએ આ વર્ષે 13મું વર્ષ છે તો એ એમના હાથે આપણે આ વખતે કરાવવાનું છે અને જેથી લોકો સુધી વધારે ને વધારે યોગનો પ્રચાર પ્રસાર થાય એના માટે આજે આ કોન્ફરન્સ રાખવામાં આવી છે સાધ્વીજીનું હું વધારે કહું તો ગુજરાત સહિત 5 રાજ્યોમાં એ યોગના પ્રચાર પ્રસારનું કાર્ય કરે છે અને સાથે નેપાળમાં પણ એમનો પ્રવાસ થાય છે અને નેપાળમાં પણ યોગનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે તો બાકી આપના જે પણ કંઈ પ્રશ્નો હોય તો સાધ્વીજી સાથે આપ બાકીનું સાધ્વીજી સાથે માર્ગદર્શન કરી શકે સાદર નમન और काफ़ी कुछ तनुजा बहन ने बता ही दिया है आप सब लोगों के सहयोग से आप सब जानते हैं अपना 29 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक एक अपना बहुत अच्छा लायंस क्लब के साथ मिलकर के पतंजलि योग समिति के साथ मिलकर के एक अच्छा शिविर का हम लोग आयोजन करने वाले हैं और योग का उद्देश्य है हम सब लोगों के बीच में कि हम एक स्वस्थ समृद्ध और संस्कारवान भारत बना सकें उसी उद्देश्य के अंतर्गत ये बहुत ही पावन और पुण्य कार्य वो संगठनों के माध्यम से हो रहा है आप जो भी प्रश्न करना चाहें आप सादर आमंत्रित हैं उसके साथ साथ हम लोग इस विषय को भी लेकर के चलते हैं जो हमारा यज्ञ का विषय है क्योंकि जो भी हम लोग यज्ञ के अंदर आहुति देते हैं सूक्ष्म रूप से वो वातावरण शुद्धि के लिए पूरे समष्टि तक पहुँचता है तो इसी उद्देश्य से हम लोगों ने कल भी वापी के अंदर एक 51 कुंडीय महायज्ञ किया था और बड़ा सफल आयोजन हो रहा था आगे फिर हम लोग हर शिविर के साथ ये हरिद्वार में भी अपना प्रकल्प चलता है कि एक तरफ शिविर भी चलता है और साथ में उसी बीच में हम लोग यज्ञ का आयोजन भी करते हैं यज्ञ के माध्यम से हम लोग विश्व कल्याण की भावना के साथ ये यज्ञ को करते हैं ताकि सबके लिए हम शुभकामनाएं प्रेषित कर सकें जैसे कि अपनी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया उसी प्रार्थना के साथ ये यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है वातावरण शुद्धि एवं सबकी कल्याण कामना हेतु इस समय योगा से जितनी बीमारियां हैं हम बड़ी गारंटी के साथ कहते हैं कि 99% के आसपास रोगों को हम इससे आराम से दूर कर सकते हैं कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी योग से ठीक हो रही हैं और जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जैसे कि बीपी कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज़ इन सब बीमारियों में योग सर्वाधिक लाभकारी है बिना किसी दवाई की क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें हमारे अभी जो हमारा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है वो भी डेवलपमेंट में है लेकिन अगर डायबिटीज़ की बात की जाए या थायराइड की बात की जाए या अस्थमा जैसी बीमारियों की बात की जाए या किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो इनके सॉल्यूशन नहीं है परमानेंट योग में इनका सॉल्यूशन है क्योंकि जैसे आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का अमाउंट इंक्रीज होता है आपके डिजेनरेटेड सेल्स भी डिजेनरेट होते हैं तो हर प्रकार की बीमारी के लिए अलग अलग प्रकार के आसनों का अभ्यास रहता है लेकिन प्राणायाम हम लोग 8 प्राणायाम पैकेज में लेकर के चलते हैं इससे सारी बीमारियों को हम क्योर कर सकते हैं चाहे वो स्किन डिजीजेज हों बोन डिजीजेज हों ब्लड डिजीजेज हों या किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी बॉडी में हो रही है यहाँ तक कि पैरालिसिस अभी कल हम वापी में भी थे तो भाई मिले वो उनको पैरालिसिस हुआ था चलना बंद था लेकिन अभी अनुलोम विलोम प्राणायाम आदि करके पिछले 3 महीने में वो चलने शुरू हो चुके हैं तो ऐसे जितने भी रोग हैं 99% हम उन लोगों को रोगों को क्योर कर पाते हैं और मैक्सिमम बड़ी बात यह है कि रोगों के साथ साथ लोग शांति भी प्राप्त कर रहे हैं खुश हैं आनंद में हैं क्योंकि मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन का जहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं है युवाओं में भी आजकल इसकी इतनी आवश्यकता है कि जब हम युवाओं को आज की डेट में जॉब की टेंशन है या बिजनेस की टेंशन है और बहुत सारी ऐसी टेंशन है जो कि एक्चुअली में है नहीं बट समहाउ हमारी सोसाइटी के माहौल में वो क्रिएट हुई हैं उसमें हम लोग यूथ के लिए भी इसीलिए अभी कॉलेजेस वगैरह में भी हम लोग लेक्चर्स रखते हैं ताकि हम योग की तरफ उनको मोटिवेट करके इधर डायरेक्ट कर सकें इधर अपना गवर्नमेंट के माध्यम से भी हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी योग का एक अच्छा प्रचार प्रसार होता है वो भी हमारे लिए एक अच्छे उदाहरण है कि वो स्वयं में भी योग करते हैं तो इतना कार्य आगे हो पा रहा है बाकी बहनों के लिए भी बहुत लाभकारी रहता है योग अलग अलग विषयों में तो जिस भी तरह की समस्या हो
उसमें हम लोग योग से पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं। शरीर से संबंधित नहीं है, शरीर के साथ साथ ये मन से भी संबंधित है। जैसे कि मैंने कहा कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन जैसी परेशानियाँ योग से दूर होती हैं, तो इसमें हम ध्यान के सत्र को भी लेकर के चलते हैं। योग के साथ साथ प्राणायाम के साथ ध्यान का ये सत्र होता है, ये उसका भाग ही है। आप सब लोगों का सहयोग इस रूप में चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारे पत्रकार भाई बंधु भी जरूर इसका भाग बने, मतलब साथ में योग भी करना है, आप भी करें और आपका परिवार भी करे, क्योंकि आप लोगों की लाइफ भी हेक्टिक है, कभी भी कहीं भी जाना भी होता है और इतनी सारी चीज़ें हैं, तो सबको एक शांति चाहिए एंड मेंटल पीस चाहिए। हमारा पूरा प्रयास है कि पूरे वलसाड में जितना हो सके हम पूरा समय निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंचा सकें और आप लोगों तक भी पहुंचा सकें, तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। मेरा नाम साध्वी देवाधिपति है और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आप अभी अपना एक प्रवास के दौरान यहाँ वलसाड पहुँचना हुआ है, जहाँ पर 29 जनवरी से लेकर के 2 फरवरी तक अपना एक बहुत ही अच्छा योग शिविर का, निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है पतंजलि योग समिति एवं लायंस क्लब के साथ मिलकर के। इस शिविर के माध्यम से वलसाड़ की जनता के बीच में योग की जागृति लेकर के आना, ताकि अधिक से अधिक लोगों के बीच में योग पहुँच सके और उनके घरों में आरोग्य पहुँच सके, सभी लोग स्वस्थ हों, समृद्ध हों और उनके घरों में खूब संस्कारों के साथ, शुभकामनाओं के साथ उनके घर में खुशी हो, हमारी शुभकामनाएँ हैं लोगों को। तो सभी लोग इस योग शिविर का भाग बने। सुबह में 5:30 बजे से 5 से 7:30 का समय रहेगा और स्थान अपना है प्लाजा बिल्डिंग सामने का जो मैदान है, और साथ में शाम को भी उसी स्थान पर विशेष रूप से 29 से 31 जनवरी तक शिविर रहेगा, शाम के 5 से 6:30 बजे तक। अनन्य स्कूलों में, कॉलेजेस में जाकर के, यहाँ तक कि अपना पुलिस लाइन्स आदि में जाकर के भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को योग के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, साथ में उन्हें योग करा सकें, सिखा सकें। जी हूँ तनुजा आर्य, पतंजलि महिला पतंजलि योग समिति थी योग प्रचार प्रसारनों कार्य करूँ छूँ दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र ने कच्छ विस्तार में। अने ए जब महिला पतंजलिना समिति में जा वक्त अपने लाइन्स क्लब साथ 13मी वार योग शिबिरनु आयोजन कर रही है, तारीख 29 થી 2 ફેબ્રુઆરી, એના કારણે આખા વલસાડમાં બધાને યોગનો લાભ મળી રહે એના માટે યોગ શિબિરનું અમે આયોજન કર્યું છે, અને સાથે પ્રચાર પ્રસાર કાર્ય પણ ખૂબ જોરશોરથી ચાલે છે। પૂરી અમારી પતંજલિની ટીમ છે જે ઘરે ઘરે જઈને પેમ્પલેટ વેચીને, રેલી કાઢીને અને યોગથી બધાને વાકેફ કરી રહ્યા છે અને યોગનો પ્રચાર પ્રસાર કરી રહ્યા છે। દર વર્ષે આ રીતે લાયન્સ ક્લબ સાથે અમે આ એક યોગ શિબિરનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ, તાકી લોકોમાં વધારેમાં વધારે યોગ માટે જાગૃતિ આવે। કેટલા લોકો આવવાની સંભાવના છે? અમે અત્યારે એક્સપેક્ટેશન 500ની તો રાખી છે, અને એ રીતે અમારો પ્રચાર પણ થયો છે, અને જો વધી શકે એ પ્રમાણે 500ની એક્સપેક્ટેશન છે। કઈ જગ્યા પર આ કાર્યક્રમ આપવામાં આવ્યો છે અને એના ત્યારબાદ કઈ કઈ જગ્યા પર આ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો? જી કાર્યક્રમ છે 29 જાન્યુઆરીથી 2 ફેબ્રુઆરી સવારે 5:30 થી 7:30 વાગ્યે છે, અને પ્લાઝા બિલ્ડિંગની સામેનું મેદાન જે છે તિથલ રોડ પર ત્યાં શિબિરનું આયોજન છે, અને સાંજે પણ એ જ સમયે 3 દિવસ 29, 30 અને 31 ત્રણ દિવસ આપણે એ જ સ્થાન પર 5 થી 6:30 વાગ્યા સુધી વિશેષ કાર્યક્રમ છે, જે સવારે નહીં ભાગ લઈ શકે એ લોકો માટે સાંજના માટે છે, અને સાથે સાથે દિવસ દરમિયાનના 5 કાર્યક્રમ અન્ય છે, જેમાં કોલેજીસમાં, પછી પોલીસ હેડક્વાર્ટરમાં પોલીસ જવાનો માટે કાર્યક્રમ છે, અને સાંજના સમયે આ શિબિર છે, તો એ રીતે અલગ અલગ 5 કાર્યક્રમ દિવસ દરમિયાન છે।